ये पानी यहाँ पे हमने भर दिया है ना, और ये मैं भी आपको इसके प्लास्टिक के पाइप में दिखाता हूँ। ये हम इसे यहाँ पे पीतल के पाइप में अटैच कर सकते हैं। ये पीतल के पाइप में अटैच करेंगे तो पानी जितना वॉल्यूम में है उसी हिसाब से आएगा। एक मिनट रुकिए, ये हमने इसे पीतल के पाइप में अटैच कर दिया। और ये जैसे ही हम ये सेंसर के आगे सिग्नल देते हैं, सेंसर के आगे सिग्नल दिया और ये वाटर पंप में पानी आ गया है ना। और एक मिनट रुकिए, देखिए पता सा इसके प्रेशर से टूटा नहीं। और अभी देखिए कि यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है बहुत कम डिस्टेंस पे लिया है। अगर हम इसे और डिस्टेंस बढ़ाएंगे 3 से 4 फुट तो प्रेशर अपने आप कम होता चला जाएगा। जैसे कि मैंने अभी इसका क्या करा है, टाइम कम कर दिया है और मैं इसकी हाइट थोड़ा सा इसे ऊंचा कर देता हूँ, ये देखिए। और जैसे ही यहाँ सेंसर के आगे हम इनपुट करा और ये पानी बतासे का पानी है, ये देखिए बतासे में पानी एकदम यहाँ फुल हो गया। और आप अभी ये देखिए कि यहाँ से पानी लिया है और यहीं जस्ट यूज़ किया है और उसके बावजूद ये इसका प्रेशर का कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही हम इसकी लेंथ करेंगे, देखो कम से कम पानी नीचे तो होगा 3 फुट या 4 फुट की ऊंचाई की पे, या मतलब पानी 3 फुट नीचे होगा या 4 फुट नीचे होगा तो जो प्रेशर है और कम हो जाएगा। तो इसी के लिए इस कंडीशन में प्रेशर जो है मैक्सिमम स्तर पर है और एकदम ओके है। और अगर हम क्या है इसी पाइप को जब हम जमीन से लेंगे 4 फुट तो प्रेशर और स्मूथ हो जाएगा, ये इस सिस्टम की खास बात है। तो इसमें अलग से प्रेशर कंट्रोल या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ सेंसर से आगे इनपुट करा तो ये पानी बतासे का पानी बिल्कुल यहाँ पर पूरा इफेक्टेबल भर गया, ठीक है। बतासा लोग कहते हैं मतलब टूटेगा, बतासा टूटने का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये यहाँ पर सिस्टम हो गया है ना, लाइट का सिस्टम हो गया। मेन हमारे सिस्टम में क्या खास बात है कि सिर्फ 2 सप्लाई। और हम आपको एक चीज और बता दें, फिट में वायरिंग गलत होने का चांस ही नहीं है। क्यों, ये देखिए ये जो एक फीमेल कनेक्टर है और इसे आप जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे किट रेडी और यहाँ पे ओपोजिट जो कनेक्टर पोल का है, यानी कि गलत वायर लगने का चांस खत्म हो जाए। और प्लास्टिक की डब्बी में ही ये प्रोडक्ट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंसुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। और बाकी टाइम चेंज का मैंने आपको बता दिया इसमें पोर्ट से, ये हम यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मतलब टाइम चेंज करा और ये यहाँ पे टाइम 0 हो गया। और अगर हम ये टाइम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ये टाइम यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। और एक पॉइंट तो ये हो गया, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये देखिए हम क्या करेंगे, इसी सिस्टम को 2, 3 या 4 अलग अलग सिस्टम में कनेक्ट करके देखेंगे कि इस अडेप्टर से कितने इनपुट यहाँ पर चल सकते हैं। और मतलब ये है कि 5 एम्पियर का अडेप्टर है और 5 एम्पियर के अडेप्टर से आपके चारों सिस्टम, चारों सेंसर फिट एक साथ एक टाइम में चल सकती हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है। और इससे हमारे कम से कम 5 वाटर पंप एक साथ चल सकते हैं, तो ये इस सिस्टम की खास बात है। और ये इसका कनेक्शन है ये, और मैं आपको इसमें बाकी इक्विपमेंट दिखा देता हूँ। वाटर पंप मैं दिखाता हूँ लाके यहाँ पर।